दोस्तों अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। मोदी सरकार यानी भारतीय सरकार दे रही है सभी के बैंक खातों में 10,000 रुपए। दोस्तों अगर आपका भी जनधन जीरो खाता है तो आपके भी खाते में आएंगे पूरे 10,000 रुपए। तो दोस्तों मोदी सरकार किस योजना के तहत दे रही है पूरे 10,000 रुपए सीधे आपके बैंक खाते में। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा जिससे आपके खाते में आएंगे पूरे 10,000 रुपए। मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठा लिया है, सभी के बैंक खाते में आ रहे हैं 10,000 रुपए। दोस्तों अगर आपका भी जनधन जीरो बैंक खाता है तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लीजिएगा। आपका अगर जनधन खाता है तो आपको मिलेगा पूरा 10,000 रुपए। दोस्तों मोदी सरकार ने कई राज्यों में चुनाव हारने के बाद बहुत बड़ा फैसला ले लिया है, सभी के बैंक खाते में आ रहे हैं 10,000 रुपए। दोस्तों आप सभी से गुजारिश है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, उसके पास वाले घंटी वाले बटन को भी दबा दीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे मैं पता चल सके आपने वीडियो को देखा है, वीडियो को लाइक भी कर दिया है, और सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को नीचे हमें कमेंट में जरूर बताना है आपको 10,000 रुपए आपके खाते में आए हैं या नहीं। अपना नाम और अपने जिले का नाम नीचे कमेंट में जरूर लिखकर आपको बताना है। दोस्तों चुनावी माहौल आ चुका है और मोदी सरकार बड़े बड़े कदम उठा रही है और आम आदमी को भी लुभाने की कोशिश जारी है। इस बीच जनधन खातों से लेकर बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों मोदी सरकार दे रही है जनधन जीरो बैंक खातों में 10,000 रुपए। तो दोस्तों इस सुविधा से आप ले सकेंगे पूरे 10,000 रुपए सीधे आपके बैंक खाते में आने वाले हैं। ज्यादातर लोगों को जनधन बैंक खाता है पर उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि जनधन खातों में मिलेंगे पूरे 10,000 रुपए। दोस्तों चुनावी साल में गरीबों को तोहफा देते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट की सुविधा को भी दोगुना कर दिया है। जी हां दोस्तों, इस योजना के तहत अब प्रत्येक परिवार की जगह प्रत्येक वयस्क व्यक्ति का खाता खोलने पर भी जोर दिया जा रहा है। जो भी नए खाते खोलेंगे उन्हें भी 2,00,000 रुपए का दुर्घटना बीमा भी जरूर मिलेगा। दोस्तों मोदी सरकार दे रही है सभी जनधन जीरो खातों में 10,000 रुपए। दोस्तों अब इस योजना के तहत खाता धारकों को 10,000 रुपए की सुविधा जरूर मिलेगी। अभी तक यह सुविधा 5,000 रुपए की थी। खाता धारकों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा का इस्तेमाल करते समय 2,000 रुपए उनके खाते से निकालने के लिए किसी भी शर्त का पालन नहीं करना पड़ेगा। पहले ओवरड्राफ्ट की सुविधा 18 से 60 वर्ष तक के खाता धारकों को उपलब्ध कराई जाती थी, अब 65 वर्ष तक के उम्र वाले खाता धारकों को भी यह सुविधा मिलेगी। असल में ओवरड्राफ्ट की सुविधा बहुत ही अच्छी सुविधा है। अगर किसी जनधन बैंक खाते के रिकॉर्ड अच्छा है तो वह जरूरत पड़ने पर इस धनराशि का इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि आप 10,000 रुपए अपने जनधन खाते से ले सकते हैं। यह सुविधा मिलने पर गरीब परिवारों को साहूकारों से उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जनधन योजना को ओपन एंडेड रखा गया है, इसका मतलब यह है कि यह योजना अब आगे भी जारी रहेगी। दोस्तों अब तक इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को बैंक खाता खोलने पर भी जोर था, अब प्रत्येक व्यक्ति का खाता खोला जाएगा। जिस नए खाता धारकों को रुपए कार्ड है उन्हें 2,00,000 रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी जरूर मिलेगा। पहले यह सुविधा 1,00,000 रुपए थी, इसे भी दोगुना कर दिया गया है। दोस्तों जनधन योजना 14 अगस्त 2014 को मंजूर हुई थी और इसके बाद बहुत से जनधन जीरो खाते भी खोले गए थे और मोदी सरकार का एक वादा भी ये हुआ था कि सभी बैंक खातों में 15,000,000 रुपए वो भेजेगी, पर यह वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और दोस्तों अगर आपको अभी तक इस सुविधा में 10,000 रुपए नहीं मिले हैं तो आपको अपना नाम और अपने जिले का नाम नीचे कमेंट में जरूर लिखना है। जय हिंद, वंदे मातरम।